हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज हम लिंक्डइन एड्स कैसे चलाएं उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप B2B या B2C में लीड जनरेट करना चाहते हैं, जैसे आप रियल एस्टेट बिजनेस में हैं या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए ऐड चलाना चाहते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के लिए ऐड चलाना चाहते हैं और लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो लिंक्डइन एड्स कैन बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर योर बिजनेस। लिंक्डइन एड्स थोड़ी कॉस्टली होती है फेसबुक एड्स से, ऑब्वियसली बिकॉज उसका जो जो नेटवर्क वो प्रोवाइड कर रही है, प्रोफेशनल नेटवर्क, वो बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड है और बहुत ज़्यादा कन्वर्टिंग भी है, इसलिए आपको लिंक्डइन एड थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकती है, लेकिन इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर बिग बिग इंस्टीट्यूट्स और बिग बिग यूनिवर्सिटीज़, और जहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू और प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, लाइक रियल इस्टेट, उन सब बिजनेसेस के लिए लीड जनरेट करने के लिए ये एड्स बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। और मैंने पर्सनली अपने क्लाइंट्स के लिए मंथली थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की एड्स रन की है, तो आई एम इन अ लिटिल बेटर पोजिशन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड फ्यू स्ट्रैटेजीज, जहाँ पे कि आप उन स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करके अपने लिए अच्छे और क्वालिटी लीड्स लिंक्डइन से जनरेट कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप ये ट्यूटोरियल सीख के कैसे फ्रीलांसिंग करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो लेट्स जंप डायरेक्टली ऑन टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट द वीडियो। तो एक बार आपने अपने लिंक्डइन अकाउंट में लॉग इन कर लिया, तो उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ टॉप में एडवर्टाइज का बटन दिख जाएगा। बट उससे पहले, अगर आप लिंक्डइन में एड्स रन करना चाहते हैं, तो आपका लिंक्डइन कंपनी पेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने लिंक्डइन पेज सेटअप नहीं किया है अपने बिजनेस के लिए, तो आप यहाँ वर्क ऑप्शन में जाके आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे क्रिएट अ कंपनी पेज ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करके आप इजीली स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस और जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो भी आपका लिंक्डइन पेज है जिस भी बारे में, उसे चूज़ करके आप इजीली यहाँ पे नाम डालिए, अपना URL डालिए, जो भी आप चाहते हैं वेबसाइट डालिए, इंडस्ट्री चूज़ करिए एंड लोगो इमेज अपलोड करके टैगलाइन लिख के आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट द पेज। वेरी इजी टू क्रिएट अ पेज, कंपनी पेज ऑन लिंक्डइन, तो ये सेटअप कर लीजिए। तो एक बार आपने पेज क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप डायरेक्टली ऊपर एडवर्टाइज ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। आपको कई बार एडवर्टाइज ऑप्शन वर्क इस सेक्शन में भी आता है, बट मुझे डायरेक्टली ऊपर आएगा, और बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये यहाँ पे ही रहता है टॉप में। तो आप इसे क्लिक करके डायरेक्टली ये आपको लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर में लेके चला जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में आएंगे। आई हैव लिटिल मल्टीपल बिजनेस अकाउंट्स, क्लाइंट्स के अकाउंट्स, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना अकाउंट नेम यहाँ पे डाल देना है, बिजनेस नेम डाल दीजिए, करेंसी अगर डॉलर्स में आप चाहते हैं कि आपके करेंसी रिफ्लेक्ट हो, जिस भी अमाउंट से आप पे करना चाहते हैं, तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अपना कंपनी पेज या प्रोफाइल जो भी है URL, उसे यहाँ पे डाल के जस्ट क्लिक ऑन सेव। सो मैं अभी एक नया अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है, सो आई जस्ट क्लिक ऑन दैट अकाउंट एंड क्रिएट द एड फ्रॉम दैट अकाउंट। सो दिस इज़ द अकाउंट, लेट मी जस्ट। सो एक बार आपने अकाउंट के अंदर आप आ गए, उसके बाद आपको यहाँ पे दिस इज़ द अकाउंट स्ट्रक्चर, कैंपेन ग्रुप्स, कैंपेन्स एंड एड्स। फेसबुक एड में आपने देखा होगा कैंपेन्स, एड सेट्स एंड एड्स होते हैं, यहाँ पे कैंपेन ग्रुप्स हैं, कैंपेन्स हैं, एड्स हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, वेरी सिमिलर, इट्स जस्ट दैट वो लोग कैंपेन को कैंपेन ग्रुप बोल रहे हैं, एड सेट को कैंपेन्स बोल रहे हैं डायरेक्टली, दैट्स ऑल, वेरी इजी। उसके बाद बेसिक, इफ आई हैव टू टेल यू वन थिंग बिफोर यू स्टार्ट रनिंग द कैंपेन, मैंने आपको गूगल में भी बताया है और फेसबुक एड्स में भी बताया है, आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप चेकआउट कर सकते हैं पहले वाले वीडियोस। बट बिफोर यू रन एड, अगर आप अपने वेबसाइट के लिए ऐड रन कर रहे हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू सेट अप कन्वर्जन ट्रैकिंग ऑन योर वेबसाइट। सो लिंक्डइन का कन्वर्जन ट्रैकिंग हम इनसाइट टैग बोलते हैं, जैसे फेसबुक में फेसबुक पिक्सल होता है, लिंक्डइन में इनसाइट टैग होता है। सो आप इनसाइट टैग में जाके इजीली यहाँ पे जाके जस्ट
क्रिएट इंस्टॉल माई इनसाइट टैग, उस पर क्लिक करके ये आपको एक टैग देगा, दिस इज़ द टैग, उसे कॉपी करके आप अपने वेबसाइट पे डाल के ये टैग इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग में यहाँ पे हेल्प हो सके. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. बट आप अगर अपने वेबसाइट को ट्रैफिक ड्राइव नहीं कर रहे हैं, आप ऑन लिंक्डइन ही लीड्स जनरेट कर रहे हैं जैसे लीड फॉर्म यूज़ करके, तब शायद आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उस केस में आप इसे इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं. सो दिस वॉज जस्ट वन इंफॉर्मेशन. लेट मी जस्ट गो बैक टू कैंपेन्स एंड हम अब एक कैंपेन ग्रुप सेटअप कर लेते हैं फर्स्ट. सो लेट्स क्रिएट अ कैंपेन ग्रुप. कैंपेन ग्रुप इज़ नथिंग बट ग्रुप ऑफ कैंपेन, सिंपल. सो कैंपेन ग्रुप, क्रिएट अ कैंपेन ग्रुप. Name this campaign group, so I'll just keep it as. So what we will do is we will run an MBA campaign. Let's say हम एक university के लिए ads run कर रहे हैं and उस university में MBA एक course है, तो उसके लिए ad run करने के लिए India में ad run कर रहे हैं. So what we will do is name the campaign as let's say my name NP and then MBA. That's what I'll keep and then I'll keep India as the country for now. ठीक है. So yeah, that's a name. Status active, timing you can just, I have just kept it as run continuously. So starting from today, आप start and end date भी set कर सकते हैं and आप start and end date with a budget भी set कर सकते हैं यहाँ पे. It's totally up to you. I'll just go with a run continuously for from this start date. So save. कैंपेन ग्रुप सेव हो गया हमारे पास. अब जस्ट लेट्स क्लिक ऑन दिस कैंपेन ग्रुप एंड नाउ क्रिएट अ कैंपेन. सो लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट एंड देन कैंपेन एंड बूम. सो हियर इट इज, इट्स गिविंग मी दिस ऑप्शन. विल जस्ट हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट हियर इन दिस ऑप्शन एंड दैट्स इट. यहाँ पे हमें ये नाम कैंपेन का नाम पूछ रहा है. So right now if you see it's untitled campaign, let's give it a name as NP MBA India. Probably we can keep it as India and then let's say it's an online MBA. Probably let's keep it a online. So I just want to name it. You can name it according to what you want to name your campaign so that you can understand later. But main abhi aise yahan pe name kar raha hu. Fir similarly objective aa gaya yahan pe. So same thing like we have on Facebook, awareness, consideration, conversion. Awareness mein brand awareness, consideration mein website visit, engagement, video views and conversion mein lead generation, website conversion and job applicants. सो लीड जनरेशन ऑब्वियसली अगर आप इसे चूज़ करते हैं तो आपको लीड फॉर्म क्रिएट करने की यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा लीड फॉर्म्स. सो हम लीड फॉर्म के साथ नहीं जाएंगे अभी. आई कैन मेक दैट वीडियो लेटर. यू नो इट्स वेरी इजी टू क्रिएट अ लीड फॉर्म ऑल्सो ऑन लिंक्डइन. जैसा फेसबुक में क्रिएट करते हैं वैसे ही लिंक्डइन में भी क्रिएट करते हैं. एंड आपको अगर अभी के लिए हम वेबसाइट कन्वर्जन पे विल गो विद दैट कि हम चाहते हैं कि हम वेबसाइट पे लोग लैंड करें एंड वहाँ पे फॉर्म फिलअप करें. तो उसके लिए हम वेबसाइट कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे. विल गो विद वेबसाइट कन्वर्जन. देन यहाँ पे आ गया ऑडियंस सिलेक्शन. सो ऑडियंस सिलेक्शन में ऑलरेडी इंडिया सिलेक्टेड है. आप अपने व्हाटएवर योर लोकेशन इज़ उसके हिसाब से आप यहाँ पे लोकेशन भी टारगेट कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी. यू जस्ट हैव टू सर्च द लोकेशन एंड टारगेट. अभी के लिए मैं इंडिया ही रहने दूंगा. फिर आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं लोकेशन अगर आपको कोई लेट्स से पूरे इंडिया में रन करनी है बट किसी स्पेसिफिक लोकेशन में रन नहीं करनी. फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे लेट्स से मुंबई में रन नहीं करनी. जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल. तो आप यहाँ पे यू कैन एक्सक्लूड दैट पर्टिकुलर लोकेशन फ्रॉम हियर. उसके बाद नीचे आप स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑडियंस मिल जाएगी. सो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन नैरो इल गिव मी ऑडियंस ऑप्शंस हियर. दिस इज सेकेंड वे ऑफ टारगेटिंग. देर इज अनदर वे ऑल्सो. तो लिंक्डइन ऑलरेडी हैज़ फ्यू प्री डिफाइंड ऑडियंसेस. आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देर आर प्री डिफाइंड ऑडियंसेस लाइक मेंबर्स विद अ बैचलर्स डिग्री,
expertise in biotechnology, expertise in Bitcoin and blockchain, you know, all these you can target based on whatever your product or business is. Okay, so your predefined audience is selected by suggested by, I would say, LinkedIn. Aap iske upar click karenge, let's say members with, let's say in our case we will go with Bitcoin and blockchain, let's say I'll select that. Okay, and what happens is it actually targets all the member groups, you know, and company industries which are related to finance and Bitcoin and blockchain. If you see, उन सब ग्रुप्स को और सारी इंडस्ट्रीज को टारगेट कर दिया है. तो देर आर अबाउट 260,000 प्लस पीपल इन इंडिया विच यू कैन रीच आउट टू, यू नो, इन दिस इंटरेस्ट. ठीक है, अभी के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे यहाँ पे जस्ट डिलीट कर दूँगा ये ऑडियंस को. ठीक है, अभी के लिए लेट्स से वी आर गोइंग विद एमबीए ऑडियंस. एमबीए के लिए हम बना रहे, तो उसके लिए लेट्स से आपको टारगेट करना है. तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ अगेन टारगेटिंग, ऑडियंस टारगेटिंग, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स. ठीक है, ऑडियंस टारगेटिंग इज नथिंग बट योर कस्टम ऑडियंस टारगेटिंग. सो ये इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू फेसबुक एड्स, यू नो, वहाँ पे आप लुकलाइक ऑडियंस टारगेट कर सकते हो. तो यहाँ पे भी आप लुकलाइक ऑडियंस बना के टारगेट कर सकते हैं. आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं, यू नो, जिन्होंने आपकी वेबसाइट ऑलरेडी विजिट कर ली, आप उन लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं, उन्हें ऐड शो कर सकते हैं, उन्हें मैसेज एड्स भेज सकते हैं, यू नो, रीटारगेटिंग करके. तो दैट ऑप्शन यू ऑल्सो हैव. एंड देर आर अदर थर्ड पार्टी, लाइक यू कैन अपलोड द ऑडियंसेस एंड अपलोड योर लीड डेटा एंड उन्हें रीच आउट कर सकते हैं यहाँ पे कस्टम ऑडियंस टारगेट करके. वी विल कीप दिस फॉर लेटर. मैं इस पे वीडियो अलग से बना दूंगा कस्टम ऑडियंस पे, बट बेसिकली इन अ नटशेल इफ आई हैव टू टेल यू, ये सिमिलरली लाइक यू डू इट ऑन फेसबुक, यू कैन डू इट हेयर ऑल्सो, सेम थिंग. ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में लेट्स गो विद इंटरेस्ट टारगेटिंग. सो ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं, कंपनी, डेमोग्राफिक, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट. लेट्स से वी टारगेट पीपल. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट आर ऑडियंस शुड हैव, लेट्स से समबडी इज इंटरेस्टेड इन एमबीए, सो उसके पास ऑब्वियसली बैचलर्स डिग्री होगी. सो हम बैचलर्स को bachelor's degree, yeah, so we'll target all the people who have bachelor's degree. So there are about 19 million people if you see in India who has a bachelor's degree. Theek hai, fir main target karunga, I'll just click on narrow. Main yahan pe you know, यहाँ पे ही सर्च करके दोबारा से टारगेट नहीं करूँगा, क्योंकि दैट विल बी अ और कॉम्बिनेशन, इट विल बी एडिंग द ऑडियंस. ठीक है, मैं इसे क्लोज करके आई विल क्लिक ऑन नैरो, सो दैट मैं वो डिफरेंस क्रिएट कर सकूँ, ओवरलैप रिड्यूस कर सकूँ और एंड कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगा सकूँ. तो ठीक है, मुझे लेट्स से एज ग्रुप में टारगेट करना है. सो डेमोग्राफिक, मेंबर एज, and I want to target people who are, let's say, 18 to 24 and 25 to 34, only those people. So kitne 77 million people, but actually it has come into or targeting. This is what I was talking about, I don't want it as or, so I'll delete it here and I'll just close this thing. Theek hai, degree, I'll try and click on narrow again, but it actually, you know, यहाँ पे दोबारा से मुझे यहीं पे लेके आ रहा है. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद लिंक्डइन, वन, यू नो, आई हैव फेस्ड इट मेनी टाइम्स. इसका सॉल्यूशन क्या है, आप क्लोज करके आप, यू नो, कम डाउन. नाउ व्हाट डज इट सेज, योर कैंपेन नीड्स एटलीस्ट वन कन्वर्जन टू रन. ओके, सो मेरी कन्वर्जन सेटअप नहीं है, ये मुझे बोल रहा है कि, यू नो, आपने एक बार इनसाइट टैग इंस्टॉल कर लिया, अब उसके बाद कन्वर्जन बना लीजिए. सो मैं वेबसाइट लीड एक कन्वर्जन बना देता हूँ कि, यू नो, व्हेन पीपल फिल अप द फॉर्म ऑन द वेबसाइट. सो वेबसाइट लीड सिलेक्ट, इट इज़ गोइंग टू बी अ लीड एस्टिमेट, आई डोंट नो, यू नो, मतलब वैल्यू, कोई भी वैल्यू अटैच नहीं है, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ लीड. आई एम नॉट श्योर इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट और, यू नो, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू पे मी और नॉट. सो आई विल कीप इट जीरो एज अ वैल्यू है.
30 days clicks, 7 days view. We just keep it as it is right now. And last touch, this is what we will keep it as default for now. Define, and define may it is going to be insight tag. We'll take data from insight tag. On page load, which page load the page starts with or contains, sorry, thank. So we'll keep it as thank, and we also keep it as thank you. Sorry, contains, thank you. And we will also keep it as contains thank dash you. So you know all the people, all I have yahan pe maine kya kiya hai, wo sare pages target kar diye hain jo thank you pages hai. Aur thank you page pe kaun reach out karta hai, you know, who are the people who visit thank you pages, jinhone form fill up kar diya hai, right? So agar kisi ne form fill up kar diya hai, use thank you page show hoga, matlab wo hamare liye ek lead ho gaya hai. So that's how this website is going to, or LinkedIn is going to track the person is converted on the website or not. Theek hai, wo humne yahan pe define kar diya, just click on create and that's all. So humne apni ek conversion bhi create kar di hai, that's website lead as a conversion. Iske baad ye mujhe option de raha hai save and exit, so main yahan pe ye click kar lunga. Fir main isi mein jaake I'll just click on these three option and click on manage. And I'll just come down, and अब मुझे ये और का ऑप्शन नहीं देगा, एंड का ऑप्शन देगा. तो I'll just come on to audience attributes, demographic, member age, select and you know just this is just to certify and all that. Just click on this option, 18 to 24 and 25 to 34. So इसमें age जो targeting होती है वो blocks में होती है, you know, you can't really choose a number isme, okay? So I just want to target both the blocks because a person can be interested in MBA after 25 too, okay? In fact after 34 also, but I'll just keep it as till 34 for now. So aapne dekh liya yahan pe kya ho gaya, ye almost 17 million se 15 million tak aa gaya, okay? So I'll just close it here and then I'll again click on narrow, and is bar ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में हम क्या करेंगे, मैं सर्च की जगह इंटरेस्ट, आई विल गो टू इंटरेस्ट एंड मेंबर इंटरेस्ट एंड देन जर्नल इंटरेस्ट, ठीक है? यहाँ पे जाके बिजनेस एंड मैनेजमेंट, मोस्टली दीज पीपल आर इंटरेस्टेड इन एमबीए, नॉट जर्नलाइजिंग हियर बट यू नो यूजली आई हैव सीन दैट. एंड देन करियर एंड एम्प्लॉयमेंट आप ये भी टारगेट कर सकते हैं, फाइनेंस एंड इकॉनमी ये भी टारगेट कर सकते हैं, हेल्थ ये भी टारगेट कर सकते हैं, मार्केटिंग आई जस्ट सिलेक्ट मार्केटिंग ऑल्सो, पॉलिटिक्स लॉ सेल्स एंड रिटेल यू कैन टारगेट दीज ऑल्सो, साइंस एंड एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी दीज पीपल. सो आई जस्ट टारगेट टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड बिजनेस एंड मैनेजमेंट. दीज पीपल आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन यू नो टेकिंग एम बी ए कोर्सेज, अदर पीपल आर ऑल्सो, बट अभी तक अभी के लिए मैं आई विल जस्ट वॉन्ट टू टारगेट दीज पीपल. सो हमारी ऑडियंस जो आ गई है 9 मिलियन तक आ गई है, ठीक है? वी ऑल्सो वॉन्ट टू रिड्यूस इट फर्दर, सो विल क्लिक ऑन नैरो अगैन एंड गो एट्रीब्यूट्स एंड देन इंटरेस्ट की जगह अब हम लेट्स गो टू कंपनी, यू नो कंपनी, कंपनी कनेक्शन कैटेगरी, कंपनी इंडस्ट्रीज, लेट्स गो टू कंपनी इंडस्ट्रीज, विल गो टू यू नो ऑल दीज, कोई भी इसमें इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री चूज कर लीजिए. So we can go MBA finance, you know, so finance as an industry, we can select, I'll just select all of them, investment banking, and this is, and then manufacturing, media, public administration, real estate, software, IT services, let's take these also, wellness, transportation, logistics, real estate, and yeah, what I'll do, I'll just target these. You can choose any one if you think, you know, Nikhil, you have not chosen media and communication, let's just say for example, you can go ahead with that. I'm just taking an example for right now. With this company industry, we are at about 3.4 million people right now, which I think is enough. You can also go ahead and target member groups, you know, in fact you can do it with company industry. So yahan pe aap aur mein jaake company
sorry, not in company, you can go to let's say interest and member groups, ठीक है, एंड यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो let's say MBA, let's see if there is any group, yeah, MBA, MBA job seekers, MBA network, so I think these are all the people who have already done MBA, but आपको ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने MBA नहीं किया है, ठीक है, so I will not target these people, so I'll just keep it as it is. I will exclude people जिन्होंने master's degree कर ली है, so that one exclusion we want to do, so master's, yes, somebody who has done masters, somebody who has done postgrad, and somebody who might have done MBA. Let's see, MBA ka kuch hai, executive MBA and masters of business administration education. So these are the things I'm, you know, degrees I'm excluding for now. Isme almost sabhi aa gaye, theek hai, masters mein MBA bhi aa gaya, but I'm just you know, doing it separately also. So about 2.6 million people in India who are my target audience. You can go ahead and, you know, target. There are multiple other options also. You can choose it from here and target all those people too. ठीक है, and exclude the people also. ठीक है, I'll just keep it as it is for now. So this is our audience targeting expansion. We don't want to do any expansion because we do already have enough audience. ठीक है, यहाँ पे already enough है ऑडियंस, 2.6 मिलियन इज मोर देन इनफ आई वुड से. अगर आपकी ऑडियंस बहुत ही शॉर्ट है, लेट्स से 50,000 पीपल और 100,000 पीपल, 200,000 पीपल, देन यू कैन इनेबल ऑडियंस एक्सपेंशन. इट विल हेल्प यू रीच आउट टू मोर पीपल, यू नो, हु आर सिमिलर टू योर टारगेटिंग. ठीक है, so I'll just keep it as it is for now. Then comes the ad format. We have multiple ad format: single image, carousel image, video, text, spotlight ad, message ads, conversation ads. Ab single, we'll go with single image for now, but one of the most interesting ad format is message ad and conversation ads. That's what I would say, because message ads is like a mail, okay, and you know, these mails directly go into the inbox of a person, LinkedIn inbox. LinkedIn inbox में जाते हैं. Conversation ads भी वैसे हैं, it's like a basically chat box. You click on a button, you know, predefined messages जो भी setup किए हैं वो आएंगे and person can basically interact. But if I just have to talk about message ad is like a mail, और वो person के LinkedIn के inbox में जाके deliver होगा. And these messages have almost, अभी जो मैंने देखा है कि almost 80-90% open rate, if not at least 60-70% open rate, तो you know, किसी भी industry में मिल जाएगा. Okay, that's what I've seen. Education industry में it's like 70-80%, and you can check out for your industries also. So 80%, if let's take average 80% open rate of your this message ad, that's a pretty good open rate. और आप खुद ही देख लीजिए अपना behavior. जब भी आपको एक sponsored message आता है LinkedIn में, you usually click on that message and read that message, right? बहुत hardly, you know, कोई ignore करता है, और इतने frequently भी आते नहीं है. But ये message ad का एक drawback है कि it has a frequency of one. तो एक बार जब deliver हो गया message, ठीक है, so it's not like your ad, image ad तो बार बार show हो सकती है. ठीक है, आपने देखा होगा LinkedIn में एक ही एडवर्टाइजर की ऐड बार बार शो हो रही है. सो देयर वी हैव अ फ्रीक्वेंसी, यू नो, विच इज़ हाई. अ पर्सन कैन सी योर ऐड ट्वाइस, थ्राइस, फोर टाइम्स. बट मैसेज ऐड में एक बार मैसेज डिलीवर हो गया, सो दैट जस्ट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वन. उसका डिसएडवांटेज क्या है, इट्स लाइक व्हेन यू हैव अ हायर फ्रीक्वेंसी, अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन वन, इट एक्चुअली वार्म अप द ऑडियंस. यू नो, वो बार बार आपकी ऐड शो हो रही है तो उससे ब्रांड रिकॉल हो रहा है. ठीक है, मैसेज ऐड से शायद वो ना हो. आई कैन बी रॉन्ग हियर, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड. ठीक है, सो लेकिन मैसेज ऐड्स, एज आई सेड, इट्स ओपन रेट इज़ वेरी हाई, सो दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव इफ यू डिलीवर द राइट मैसेज, कैची मैसेज टू अ वेरी राइट ऑडियंस. आपकी टारगेटिंग अच्छी होनी चाहिए,
और आप जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वो और भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यू कैन रियली जनरेट अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लीड्स फ्रॉम मैसेज एड्स, एंड देन कॉन्वर्सेशन एड्स आर वन स्टेप फर्दर देन मैसेज एड्स, क्योंकि इसमें यू कैन डायरेक्टली हैव अ कॉन्वर्सेशन विद अ पर्सन एंड यू कैन प्री क्वालिफाई योर लीड्स, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड लीड्स हैं आप उन्हें ही अपनी लीड फॉर्म या लैंडिंग पेज शो कर सकते हो, जो भी इंटरेस्टेड नहीं है आप उन्हें सिर्फ दिस कॉन्वर्सेशन में ही डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन डाल दिया, डू यू हैव अ बैचलर्स डिग्री, तो इफ अ पर्सन सेज यस आई विल शो हिम द लीड फॉर्म, ठीक है। इफ अ पर्सन सेज नो देन आई विल नॉट शो हिम द लीड फॉर्म, आई विल से थैंक यू सो मच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यू नो आपके सेल्स टीम के पास जाने से पहले ही लीड्स जो आपको यू नो प्री क्वालिफाई हो गए, ठीक है। सो यू नो द लीड्स विच आर कमिंग दे हैव अ बैचलर्स डिग्री, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दीज डिफरेंट एड फॉर्मैट्स, इट्स जस्ट अबाउट टेस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मैट्स। अभी के लिए वी विल गो विद अ सिंगल यू नो इमेज एड, फॉर नाउ यू हैव अ क्राउजल एड्स ऑल्सो, वीडियो एड ऑल्सो विच यू कैन गो एड एंड टेस्ट इन दिस, एंड वीडियो ऐड की रीमार्केटिंग भी कर सकते हो आप, वीडियो व्यूज लाइक वी हैव ऑन फेसबुक, यू नो हैव द सेम थिंग ऑन लिंक्डइन ऑल्सो। सो दीज आर फ्यू स्ट्रैटेजीज विच यू कैन यूज। विल गो विद अ सिंगल इमेज ऐड एंड देन कम डाउन, लेट्स से यू नो इनेबल द लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क। सो योर एड्स, इफ यू यू नो कीप दिस चेक्ड, योर एड्स ऑल्सो गो टू the LinkedIn partner websites, so it can go out of LinkedIn and show it there. I don't want that, so I'll just keep it as you know unchecked. I don't want to show it on LinkedIn audience network, okay? That is what you can do, and then set daily budget of 100. It depends upon you. You want to set a daily budget or lifetime budget or both, you can do the both also, okay? Let's say I have a budget to spend of lifetime and I want to spend $1,000 in a month, so I'll just put a start and end date of that, or I can put a daily budget of 100 and we can just click on run continuously, or we can put a start and end date. For now let's just keep it as start and end date as this one. Bidding, you have this optimization goal, it is already we have website conversion ke liye optimization, obviously because we are running website conversion campaign, you want that. You can also go for landing page clicks, so LinkedIn will ensure that you get maximum clicks and people visit your website, but our goal is to get conversion, maximum conversion, so you want to stick to that. Or you can also go with a impression as a goal, okay, but in this case since we want leads we want to go with website conversions. And then additional, I think there is maximum delivery, which is automated bidding, and then there is manual bidding. Under manual bidding you can put your bid price here, you know, how much do you want to bid for you to participate in the auction and win the auction. So you need to know ki aapka bid price hai kya, theek hai. Agar aapko ye nahi pata to aap automated bid you know try kariye, or basically I suggest you go with the automated bid, क्योंकि LinkedIn then optimize and help you win maximum bids at a lower cost, ठीक है, वो करेगा. But आपको अगर पता है आप manual control लेना चाहते हैं और आप अपनी cost low करना चाहते हैं and campaign को scale करना चाहते हैं, then you can also go with enhanced or the manual bidding too. For now, keep it simple. Let's go with the automated bid. It will also keep your cost low. कन्वर्जन ट्रैकिंग, वी हैव ऑलरेडी सेट कन्वर्जन ट्रैकिंग, वन वेबसाइट लीड कन्वर्जन, उसके बिना आपका कैंपेन शायद ना चले, बिकॉज इट वॉज अ कन्वर्जन, वेबसाइट कन्वर्जन कैंपेन. अगर आप कोई दूसरा गोल सिलेक्ट कर लेते हैं तो शायद आपको ये सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है. अभी के लिए वी नीड दिस, सो हमने ऑलरेडी सेटअप कर दिया है एंड वी विल जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट हियर. डन, अब हम आ गए हैं अपनी एड सेक्शन में. सो एड में आई जस्ट नेम इट एज वर्जन 1, द होल नेम प्लस वर्जन 1, ठीक है. आई जस्ट क्लिक ऑन न्यू एड एंड जस्ट नेम इट एज एड 1. सो नेक्स्ट इज इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट, आई जस्ट राइट हियर जॉइन होम, सिंस इट इज अ ऑनलाइन प्रोग्राम आई जस्ट
writing that. So recognize, just keep your spellings that. So it says URL, yes, so we need to keep the URL. So I'll just give URL of my own website. I'll just, you know, go to the website, take the contact page here, because I just need a landing page with a contact form. So I'll just pick this page, but you make sure that your, you know, landing page is properly built. It is for that particular program jo aap sell kar rahe hain, theek hai. So main yahan pe ye dal dunga, theek hai. Image, it is just asking me the image, add image. So this is a dummy image. I do not have a proper MBA image right now with me. Obviously you want to create a professional image, you can use the tool like canva.com. you can create a, you know, image out of templates there, very good images. And then I'll just write here, let's say global MBA online program. Okay, that's my headline, and that's my description. I'll just keep it as same as introductory text. Fine. Call to action, I'll keep call to action as apply, or we can keep it as learn more program from the comfort. Let's make sure all things are right. And this is what our ads look like. This is how it'll look like in the on desktop. But if you look at, this is how it look like on mobile phone. Okay, so it's showing me ad version. If you see, it's cutting the image. So you also want to make sure you put the right size. So this size is, I think, 1200 by 628, you know, pixels. You can take that as a size and create an image in that format and then upload that image here. Okay, and that also looks good also, because most of the images I've seen of that format, I've not seen square image format on LinkedIn. You can try and test square image also if that works for you, because I would like to use square image, because square images takes a little extra size on the mobile phone screen, so which means it takes more real estate, and that actually gives you more flexibility to show your message properly. Theek hai, so ye ho gaya. Uske baad, yeah, that's it. I think this is how you create the ad. Just click on create, set up your billing, and you're good to go live. That's all. सो लेट्स से आपको लिंक्डइन एड्स सेटअप करना आ गया, चलाना आ गया, स्ट्रेटजीज आ गई. अगर आप लिंक्डइन एड्स दूसरे बिजनेसेस के लिए रन करना चाहते हैं और फ्रीलांस अपने लिए एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आप अपने लिए क्लाइंट्स लिंक्डइन एड्स के लिए ऐसे ढूंढ सकते हैं. तो आपको क्या करना है, fiverr.com पे जाना है और लिंक्डइन, जस्ट सर्च फॉर लिंक्डइन एड्स, एंड आपको बहुत सारे ऐसे गिग्स मिल जाएंगे. आप देख रहे हैं 454 सर्विसेज आर अवेलेबल, मतलब 454 गिग्स आर अवेलेबल. तो उसमें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है जितना दूसरी कैटेगरीज में है, दूसरी एड्स में है. तो आप भी ऐसे अपना एक गिग सेटअप कर सकते हैं लिंक्डइन एड्स के लिए और दूसरे बिजनेसेस के लिए लीड्स जनरेट करके, एड्स रन करके उनके लिए, और अच्छा पैसा कमा सकते हैं. तो इफ़ यू कैन सी हियर, दिस गिग एट स्टार्ट्स एट 3949. लेट्स जस्ट गो इनसाइड. तो ये लिंक्डइन एड्स कैंपेन, आई थिंक एक कैंपेन होगा थोड़े दिनों के लिए, फोर डेज डिलीवरी. इफ यू सी हियर, चार दिन की डिलीवरी 3949, दैट्स द कॉस्ट ऑफ द होल गिग. तो द पर्सन इज चार्जिंग 4000 टू रन अ कैंपेन. सो यू कैन सी, यू कैन, दिस इज हाउ यू कैन also make money on Fiverr, by running LinkedIn ads for other businesses. If you have any questions, you can comment down below. I would love to answer them, or I will come up with a very interesting video very soon. Thank you so much. Bye-bye.